गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम एस एन पांडे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा सेक्शन है। ठीक है, चलिए। हालांकि आज आपसे मेरा जो है परिचय पहले दिन का है, लेकिन कोई नहीं। देखिए, ओवरऑल बात करेंगे हम, किसी भी तरीके के आपको डायलेमा में नहीं रखेंगे कि कुछ भी पढ़ाएं ये वो। ठीक है, कतई नहीं। अगर क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं कंटिन्यू, जहाँ तक होंगी, आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें मालूम लग जाएगा कि आगे की आने वाली क्लासेस जो हैं आपकी, वो कैसे होने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें मत रहिए कि जो है कुछ भी कहीं का भी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। मैं पीएचडी नहीं करा सकता, ना मैं हूँ, ठीक है, जो बात है साफ, उसको मैं आपको नहीं करा सकता। कोई अगर नीट की तैयारी करने बैठा है, ठीक है, नीट मतलब आपका मेडिकल का लाइन, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस की बात करेंगे। हाँ, आपकी जो एसएससी लेवल के एग्जाम्स हैं, बैंक्स हैं, वनडे पेपर जितने भी हैं, वहाँ पर मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस सेक्शन से जो भी हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, कुछ कॉमन सेंस आपका भी रहता है, पढ़ाया तो है हमने। अब आप उसको डील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है। अगर आप एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ। एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं जाएंगे। हाँ, इतना रहेगा कि आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है आपको, है ना। मैं वनडे, एसएससी लेवल, बैंक, इन सब एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। इवन दो पीसीएस, जो कि वनडे नहीं है, लेकिन उसका जो प्रीलिम्स का सेक्शन है आपका, साइंस एंड टेक, वहाँ पर भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस एक्चुअली मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम जो है साइंस को पूरा का पूरा मैप मॉडल से कैसे समझा जा सकता है, एक चीज को पकड़ करके कैसे उससे कई चीजों को रिलेट किया जा सकता है। हो सकता है आपको मिक्सअप लगे थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखना चालू करेंगे, तो आपको एक ही घंटे के लेक्चर में इतनी जानकारियां मिल जाएंगी कि आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि मैं एक छोटा सा टॉपिक लूं, उसका मैं फिजिक्स से भी रिलेशन निकाल दूं, बायो से भी निकाल दूं और केमिस्ट्री से भी निकालूं। ठीक है, तो हमको यही देखते हुए चलना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें हम। चलिए आइए। देखिए, आपने एक नाम सुनाई होगा भाई, जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन गैस के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। अब लग रहा होगा कि ये कहां से नया स्टार्ट कर दिए बीच में से एकदम, नाइट्रोजन गैस के बारे में। अभी आप इसका देखेंगे कि किस तरीके से ये हर एक चीज से रिलेटेड है, फिजिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी है, बायो से तो है ही है, और कितना इसका एनवायरनमेंट पर इफेक्ट है, पर्यावरण पे कितना ज्यादा ये अपना प्रभाव दिखा रही है, ये देखने की जरूरत है। यहां से सवालें बहुत ज्यादा बन जाती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की, तो थोड़ा सा इसको समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस देखिए भैया 78% है हमारे वायुमंडल में। एयर की अगर बात करूं, एयर का कंपोजिशन 78% क्या है भैया? N2 गैस है। ठीक है, अब यहीं से अगर देख लें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा भैया? एटॉमिक नंबर इसका 7 है। अब बहुत जरा ध्यान से देखिएगा, 78% नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है। अब आप थोड़ा सा अपने पढ़ने का तरीका चेंज करिए, समय कम है, जल्दी से चीजों को कवर करना है। अब यहां पर देखिए नाम क्या क्या आया, एटॉमिक नंबर 7, यहां पर ये नाम आ रहा है कि नहीं, एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने का तरीका और एक ही टॉपिक से कैसे आप तमाम चीजों को रिलेट कर सकते हैं वो सिखा रहा हूं। इससे आपको जो ये यहां पर बात हो रही है आज के, कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको यहां से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे,
या अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ से जिस तरह से भी डील किया है सर ने वो एकदम परफेक्ट है और आपको इधर उधर से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरा देखें एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, क्या है एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर देखिए केमिस्ट्री से आ गया उसका यहां पर रिलेशन। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब है परमाणु संख्या, आप ऐसे कह लीजिए परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या का मतलब क्या है, परमाणु संख्या का सीधा सीधा यह मतलब है कि किसी भी एटम में, किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है उसको परमाणु संख्या कहा जाएगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन आप इतना समझदार हैं कि इसको समझ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे फंसाएगा कैसे थोड़ा सा देखें। अब ये चीज नहीं बोलता है कि परमाणु जो है संख्या जो है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दे देगा, तो ऐसे नहीं बता लगे। अब क्या होता है कि एक चीज और देने लगा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में इनकी संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे दे दिया, अगर सवाल ऐसे आया कि भैया एटॉमिक नंबर क्या है, ऑप्शन ए ऐसे लिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एनओ का मतलब यहां पर नंबर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड डी है अगर आपका बोथ ए एंड बी, है ना, बोथ ए एंड बी। अब कोई जाना चाहेगा तो तुरंत चला जाएगा किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चला जाएगा, ऑप्शन ए मार देगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप समझने प्रयास करिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दिया है, इन दोनों को आप एटॉमिक नंबर से डिनोट कर सकते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। तो यहां पर इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे आते हैं, आप कुछ और बातें देखें जरा। ठीक है, अब ये बताइए ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन अगर मैं O2 की बात करूं 21%, 21% है ऑक्सीजन, क्यों यह 78% है और क्या है 21%, आपने पढ़ा तो होगा लेकिन क्या कभी समझने का प्रयास किया कि क्यों ये 21% है। अगर यही अगर मान लीजिए 40% हो जाती ऑक्सीजन, 50% हो जाती, तो क्या फर्क पड़ता हमारे ऊपर या हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए इसका इतना रहना मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि 21% ये है, अगर ये 78% नहीं रहेगा, अगर ऑक्सीजन बढ़ने लगेगी तो जो आपने सुना होगा इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, कोई भी चीज रहेगी तो आग पकड़ लेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तुरंत आग पकड़ लेगी वो। अगर वो उसमें जरा सा भी इस तरह का गुण है, ज्वलनशील वो है, तो उसको एक तापमान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर, क्यों, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है जो कि सपोर्ट कर देगा उसको, और वहां से वह आग लग जाएगी। ठीक है, तो इससे तापमान और बढ़ेगा, जंगल वगैरह राख हो जाएंगे अगर इसका मात्रा बहुत ज्यादा रहेगा, तो आसानी से आग लग जाएगी। तो इसको ये चीज ना हो, तो इन गैसेस ने इसका इफेक्ट कम करने के लिए, ठीक है, इसका इफेक्ट कम करने के लिए ऑक्सीजन इसकी मात्रा ज्यादा रहनी जरूरी है। ठीक है, 78% इसका रहना जरूरी है। अब जरा देखते हैं, ये तो O2 की बात हो गई। अच्छा एक बात और, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी अगर देख रहे हैं हम यहां पर, ऑक्सीजन की अगर बात करूं मैं, तो क्या ऑक्सीजन पहले आया तब जीवन आया, कि पहले जीवन आया फिर ऑक्सीजन आया,
लोग कहते हैं ना कि पहले अंडा आया मुर्गी आया, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सवाल है ना। तो हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो पहले जीवन आया, मतलब पहले लाइफ स्टार्ट हुई, उसके बाद ऑक्सीजन आया, या पहले ऑक्सीजन आया फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करके फिर लाइफ स्टार्ट हुई, फिर जीवन स्टार्ट हुआ। एक मिनट सोचें अगर, ठीक है, तो पहले तो यही लगेगा कि भैया पहले जो है आपका आया होगा ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जीवन कैसे हो सकता है। ठीक है, पहले आया होगा ऑक्सीजन, उसके बाद जीवन स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया होगा अगर हम देखें तो? हो सकता है पानी से आ गया हो, वगैरह वगैरह कई चीजें हो सकती हैं, तब लाइफ स्टार्ट हुई हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जीवन स्टार्ट हुआ माइक्रो लेवल पर। ठीक है, माइक्रो लेवल पर पहले जीवन स्टार्ट हुआ, इसके बाद वहां से ऑक्सीजन आनी स्टार्ट हुआ। ऑक्सीजन नहीं थी पृथ्वी पर, यह जीवन आने के बाद स्टार्ट हुआ, इसका बनना उसके बाद स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं स्टार्ट हुआ है। तो जो आपकी नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गीज वगैरह है, इन्होंने ऑक्सीजन को बनाया, इसके बाद चीजें स्टार्ट हुई, पहले से नहीं थी ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद इसकी स्टार्टिंग हुई, जीवन आने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है, पहले से नहीं था ऑक्सीजन। ठीक है, तो जरा देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा नाइट्रोजन पर वापस फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखें भैया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के इस्तेमाल जरा देखें। ठीक है, नाइट्रोजन आप अगर देखें, प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य घटक कौन है? नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ही प्रोटीन के मुख्य घटक हैं आपके। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड से ही मिलके बना है ये। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब प्रोटीन से क्या बनेगा भैया? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल बनेंगे। मैं अभी बायोलॉजी, इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट डील कर रहा हूं अभी, इसके बाद थोड़ी देर में मैं इसका केमिस्ट्री वाला सेक्शन डील करूंगा, और उसके बाद लास्ट में मैं फिजिक्स का सेक्शन इसका डील करूंगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आप एक चीज से किस तरह से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, जरा देखें, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। अब यहां पे दो नई बातें आ गई, तो प्रोटीन क्या है भैया और अमीनो अम्ल क्या है? ठीक है, देखिए ऊतकों का निर्माण, टिश्यूज का निर्माण, या आप ऐसे कह लें कोशिकाओं का निर्माण, उनकी मरम्मत, उनकी देखभाल, घाव भरना वगैरह आप सुने होंगे। ठीक है, अगर प्रोटीन नहीं है शरीर में तो चीजें नहीं हो पाएंगी, ना कोशिका का विकास हो पाएगा, ना सही से कोशिका का विभाजन हो पाएगा, ना सही से नई कोशिकाएं बनेंगी, मरम्मत वगैरह तो दूर की बात है। तो इन चीजों, मतलब शरीर के ओवरऑल विकास के लिए आपका प्रोटीन का होना अति आवश्यक है, अगर यह नहीं होगा तो यह नहीं हो सकता। ठीक है, या उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। ठीक है, 80-20 मान लेते हैं, ऐसे 80% विकास सही से नहीं होगा, 20% मान लीजिए हो जाता, पर 80% नहीं होगा अगर प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन नहीं है इसका मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स अगर नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल क्या काम करते हैं? जो अभी आपको बताया वो सब उसी का काम है। ठीक है, प्रोटीन है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? अमीनो एसिड है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोटीज वगैरह इसको क्या करते हैं, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और यही हमारे ऊतकों की मरम्मत, घाव भरने में, कोशिका वृद्धि, विभाजन, इस तरह में हेल्प करता है ये। ठीक है, अमीनो अम्ल अगर देखें तो अब तक जनरली जो है 500 अमीनो अम्ल के आसपास खोजे गए हैं। इन 500 अमीनो अम्लों में हमारे शरीर को 20 की रिक्वायरमेंट रहती है, 20 की। ठीक है, 20 की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे शरीर को, 20। इन 20 में से आपको बहुत से बुक्स में मिल जाएगा कि 10 10 का क्या है ये, 10 10 बात करते हैं भैया जरा, 10 10 मतलब कि 10 जो है इसेंशियल है, जरूरी है, इसेंशियल है, और 10 जो है नॉन इसेंशियल है, गैर जरूरी है, जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता अगर ना कहें तो। ठीक है,
नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, हमारा शरीर जो है इनको खुद प्रिपेयर कर ले जाता है, ठीक है। नॉन इसेंशियल जो है आपके, उसको शरीर जो है खुद प्रिपेयर कर लेता है, वो तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब ये 10, सॉरी 10, 10 को जो है यहाँ पर शरीर हमारा खुद प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन जो बचे 10, ठीक है, इनको हमारा शरीर सही से प्रिपेयर नहीं कर पाता। ये इनको हमको क्या करना पड़ता है, बाहर के सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप मीट, मांस, मछली, अंडा, दूध, दालें, केला, आलू, है ना, मांस, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, अगर ऐसे देखें तो जितने भी आपके फ्लेशी आइटम्स हैं, मांस, मछली, ठीक है, अंडा हो गया, दूध हो गया, है ना, इसके बाद दालें हो गई, ठीक है, इन सब में ठीक ठाक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। जब प्रोटीन पाया जाता है तो वहां से हमें अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है 10-10 के अगर हम बांट रहे हैं, अभी इसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैंने अभी सिर्फ बोला है कि 10-10 में बांट रहे हैं अभी, तो इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल है, ठीक है। अब इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल तो हमको जो है हमारा शरीर खुद बना लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है। और 10 जो है हमें बाहरी सप्लीमेंट से लेने पड़ते हैं, जैसे आपको अभी बोला मांस मछली वगैरह, ठीक है। लेकिन यह आंकड़ा गलत है, यह आपको कई बुक्स में मिल जाएगा कि ये 10-10 है, ये 10-10 नहीं है, दिस इज 9 एंड 11, ये 9 और 11 का है। आपको हो सकता है कई टीचर्स भी बोल देते, पर मुझे नहीं लगता ये चीज सही है। ये सही है 9 और 11, 10-10 नहीं सही है, ठीक है। 9 है क्या जरूरी, 11 है गैर जरूरी, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब ये इनको क्या करता है, बॉडी खुद सिंथेसाइज कर देता है, बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है, इसको खुद बना लेता है, ठीक है। और इनको कहाँ से लेना पड़ता है, फूड से लेना पड़ता है आपको, चाहे वो आप जो है मांस मछली अंडा, इन सब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप 9 और 11 का रेशियो याद रखिए, 10-10 का रेशियो मत याद रखा करिए, ठीक है। तो ये जरूरी गैर जरूरी, इनका आपने काम भी देख लिया, इनका काम क्या है, कोशिकाओं की मरम्मत, विकास, विभाजन, शरीर की ओवरऑल वृद्धि का काम, ग्रोथ का काम, ठीक है। कौन करता है भैया, अमीनो अम्ल करते हैं। अमीनो अम्ल कहां से आएंगे, प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या है, मुख्यतः नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो प्रोटीन के स्रोत की बात अब जरा करिए, जरा मांस मछली अंडा दूध दालें वगैरह, ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन का ही पार्ट है नाइट्रोजन, जो मुख्य घटक है, ठीक है। अब जरा आगे की अब कहानी देखिए, जो अब मेन चीज है, यहां से चीजें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं वापस उसी कमेंट में आपका जवाब जरूर दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं यार, देखिए अब ये मुझे बताएं आप कि मान लेते हैं दालें ले लेते हैं, आपके पल्सेस ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, जितनी चीजें मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मैं एग्जाम को देखते हुए हाल में जो भी होने वाला हो आप जरूर देख लेना, वापस जाकर के वीडियो देखोगे तब आपको मालूम लगेगा कि हाँ यहां से सवाल है आई थी। ये जानबूझ के मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, वरना कोई मतलब थोड़ी है, ठीक है, कि एक ही चीज से मैं इतनी चीजें बताऊं, ये मिक्सअप चीज है। लेकिन अगर आप जरा सा भी कॉमन सेंस रखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्चुअली जो स्मार्ट बच्चे रहते हैं यहाँ, जिनको जल्दी से सिलेक्शन लेना रहता है, ये उनके लिए है, फालतू के लोगों के लिए मेरा वीडियो है ही नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं जो इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं कि एक चीज को पकड़ा, वहां से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन्होंने बनाने का प्रयास किया, ठीक है। हाँ आप कोई कहेगा सर लाइन वाइज चलिए, लाइन वाइज चलिए, अरे क्या करोगे लाइन वाइज जा करके, लाइने से तो चले आ रहे हो 4 साल से, है ना, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ये चीज को देखो आप कि भैया हम पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हो यार, एक ही चीज से यहां पे इतनी चीजें समझने को मिल रही, वो नहीं समझ में आ रहा है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं वो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज जो लोग प्रॉपर अगर तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो, मैं सिर्फ उनसे बोल रहा हूं जो सिर्फ सीरियस हो, वो इस पर ध्यान दें, ठीक है। बाकी फालतू लोगों से मेरा वैसे भी कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रहता है। इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें मैं जानबूझ के इतनी अच्छी डिलीवरी दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, अब जरा आगे आते हैं यार, दालें पल्सेस। अब हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है यहां पर। अब पल्सेस हैं, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, सीधे सीधे वह, मतलब कुछ बैक्टीरिया को छोड़ दूं तो वह सीधे सीधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, ना हमारे पौधे कर सकते हैं, ना हम स्वयं कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम 78% है खुद ले लें अगर उसको, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमको दाल की जरूरत पड़ेगी क्या? मांस मछली अंडा ये सब की जरूरत पड़ेगी क्या? जी नहीं। क्यों जरूरत पड़ेगी जब हमको सीधा सीधा नाइट्रोजन का कंपाउंड मिल जा रहा है वहीं से, तो हम क्यों खाएंगे ये सब चीजें? क्या मतलब है कि नहीं? तो यहां पर यह देखने की बात है कि हम क्यों इन चीजों से हमें मिल रहा है, क्यों डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारा शरीर नाइट्रोजन इस तरह से नहीं बना है कि वह सीधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसके अणुओं को तोड़ करके वहां से अमीनो अम्ल का निर्माण कर सके। ना यह खासियत हम में है, ना जानवरों में, गाय भैंस बकरी ना उनमें है, और ना पेड़ पौधों में आपको मिलेगी। यह जो है, यह शक्ति आप ऐसे कह लीजिए, वरदान कह लीजिए आप उसको, कुछ बैक्टीरियाज में है, साइनोबैक्टीरियाज में है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं कि यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को सोखते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से जो भी चीजें हैं, आप देखिए नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रेट में, तो जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, जो जानवर ग्रहण करता है, ठीक है, जो हम ग्रहण करते हैं, वो सीधा सीधा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ना कि नाइट्रोजन गैसीय रूप में करते हैं, ठीक है। तो एक सॉलिड फॉर्म में हम ग्रहण करते हैं, ठोस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, आप उसका नामकरण कर लीजिए नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट से कन्वर्ट कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका साइनोबैक्टीरिया, उसके कई नाम हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, ठीक है। एजेटोबैक्टर का आपने नाम सुना होगा कि एजेटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरी शैवाल वगैरह हैं, ठीक है। ये सब आपके जो हैं राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, इस तरह के जो आपके जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस नाइट्रेट को सीधे सीधे पौधा अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं, जरा एक चक्र देखिएगा, यह नाइट्रोजन चक्र का ही एक एग्जाम्पल, हालांकि मैं पूरा नहीं डिस्कस कर रहा हूं उसको, ठीक है, लेकिन एक आप उसे समझ सकते हैं कि ये चक्र चल रहा है, ठीक है ना, एक साइकिल चल रही है। जरा इस साइकिल की भी बात करें, जरा देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे ये सवाल, नाइट्रोजन का ये जो साइकिल चल रहा है, इससे जरूर पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान दें, और जो लोग थोड़े अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखें यार, सपोज एटमॉस्फेरिक N2 है, वायुमंडल की एटमॉस्फेरिक N2 है ना, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब यहां से मैंने अभी सिर्फ जीवाणुओं की बात की थी, मैं कुछ और भी बात कर लूंगा अभी। इसको दो तरीके से आप करें, इसको क्या काम किया बैक्टीरिया ने लिया, बैक्टीरिया ने इसको नाइट्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट किया भैया? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट किया? नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। इस नाइट्रेट को किसने लिया? प्लांट ने लिया, पौधे ने लिया, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए वो दाल का पौधा है, ठीक है, दाल का पौधा है सपोज, तो उस दाल के पौधे को कोई भी खा सकता है, ठीक है। मान लीजिए बकरी ने खा लिया, गोट ने, ठीक है, बकरे ने खा लिया ऐसे कह लो, ठीक है, और ह्यूमन ने भी खाया, है ना। तो क्या नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में? नाइट्रेट से मिला प्लांट को, प्लांट ने क्या लिया? दाल के रूप में आदमी ने ले लिया, उस पौधे को मान लीजिए गोट ने भी खा लिया, ठीक है। तो क्या यहां से नाइट्रेट इन दोनों के शरीर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जी हां, बिल्कुल पहुंचा, ठीक है। अब इस नाइट्रेट का यह इस्तेमाल कर लेगा क्या?
इस नाइट्रेट का इस्तेमाल क्या कर लेगा यह अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में कर लेगा यह, ठीक है। गोट, अब गोट ने इस पौधे को खाया, चला गया नाइट्रेट इसके शरीर में। अब जरा दूसरा देखें ना, गोट को किसने खाया, वापस सपोज कर लेते हैं किसने खा लिया, शेर ने खा लिया, लायन ने खा लिया, ठीक है, लायन ने खा लिया ऐसे कह लीजिए आप। तो क्या यहां से लायन के शरीर में भी पहुंच गया नाइट्रेट, उसको भी मिल गया, ठीक है। अब जब लायन मरेगा तो वापस क्या काम करेंगे, बैक्टीरिया सड़ाएंगे ना इसको, ठीक है, डिकम्पोजर्स, इसको सड़ा के वापस किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसके पास जो नाइट्रेट था शेर के पास, उसको वापस किसमें कन्वर्ट कर देंगे, N2 गैस में। तो ये देखिए पूरा चक्र वापस कहां पहुंच गया, नाइट्रोजन गैस से शुरू किया था हमने, वापस नाइट्रोजन गैस में पहुंच गया, और सबको क्या नाइट्रेट मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें ह्यूमन को भी मिल गया। अब जरा पर ध्यान से देखें बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, अगर एक नामकरण कर दें हम, राइजोबियम, राइजोबियम एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, कुछ हद तक आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी भी है काम करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको कहते हैं आप, ठीक है। तो ये काम यहां पर ये कर रही है, ठीक है, ये चीज काम यहां पर राइजोबियम, ठीक है। अब जरा एक बात और, ये समझ में आ गया ये, ठीक है, जाहिर सी बात है समझ में आया होगा, कुछ ऐसी कुछ बहुत खास बात नहीं है, पर आपको ये जरा देखना पड़ेगा। मैंने यहां पर दो एरोज बनाए थे, एक बैक्टीरिया वाला सेंस था, एक बैक्टीरिया तो कर देता है, कुछ भौतिक क्रियाओं से भी हम नाइट्रेट में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भौतिक क्रियाओं को भी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जरा देखें कैसे किया जाता है, सॉरी, आपने बरसात में बिजली जब कड़कती है, एक्चुअली वहां का वोल्टेज जो विभव है या उस बिजली में इतनी ताकत होती है कि वह नाइट्रोजन के अणुओं को तोड़ देती है, ठीक है, उनको अलग अलग आयंस में डिवाइड कर देती है, ठीक है, उनको क्या काम करती है, N2 है ना, दो N में कन्वर्ट कर देती, उनको अलग कर देती है, और यह बारिश के साथ मिक्स होकर के कहां चले आते हैं, जमीन पे चले आते हैं। अब जब जमीन पे चले आते हैं, जमीन में मिल गए, अब पौधा वहां से ग्रहण कर लेगा, ठीक है, पौधा ग्रहण कर लीजिए, मान लीजिए पौधा ग्रहण हुआ, उसको किसने खा लिया, हिरण ने खा लिया, ठीक है ना, अब हिरण को शेर ने खा लिया, तो ये इस तरह से साइकिल चली, ठीक है। दूसरा, फसलें बोई गई, आपने सुना होगा यूरिया डाला जाता है, ठीक है, या खेत में आप देखे होंगे कि कोई अच्छी फसल बोने से पहले दाल की फसलें बो दी जाती हैं, ठीक है, दाल की फसलें जैसे अरहर, चना, मटर, इस सब को बो दिया जाता है उसमें, क्यों, कारण है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की सख्त आवश्यकता है भैया। अब नाइट्रोजन तो ऐसे खुला तो मिल नहीं रहा है, वो किस रूप में चाहिए, नाइट्रेट के रूप में चाहिए, ठीक है। तो ये जो दलहनी फसलें हैं आपकी, जैसे आपका दाल, जो आपका मटर है, चना है, अरहर है, ठीक है, ये इनकी जड़ों पर ही यह जीवाणु आपके रहते हैं, ये एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये रहते हैं, ठीक है ना, दलहनी फसलों में। ये क्या काम करते हैं, वहां वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच करके इसको पहुंचा देते हैं, या मिट्टी में भी वह कहीं ना कहीं उसकी जड़ों में रह जाता है, तो वो जो खेत की उर्वरकता है, ठीक है, क्योंकि पौधे को भी अच्छे से पनपने के लिए नाइट्रोजन की सख्त आवश्यकता है, वो भी किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। तो यह बैक्टीरिया पूरा का पूरा नाइट्रीकरण कर देते हैं, ठीक है, फिक्सेशन कर देते हैं नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में, जहां से पौधे की अच्छी खासी वृद्धि होती है। जिस तरह से हमें चाहिए वृद्धि करने के लिए नाइट्रेट, उसी तरह से पौधे को भी चाहिए। तो पौधा कहां से ले रहा है, पौधे को ये कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ठीक है, पौधे को कौन कन्वर्ट करके दे रहे हैं ये, और पौधा हमें भी दे देता है, और उस खेत में जो है कुल मिला करके एक अच्छी फर्टिलिटी भी बन जाती है, उर्वरकता भी बन जाती है। अगर आप सुनते होंगे यूरिया डालना है ना, यूरिया सुने होंगे ना, ठीक है, यूरिया, यूरिया NH2CO NH2, ठीक है, अब यूरिया डालते हैं, क्यों डाला जाता है यूरिया, क्या काम है यूरिया का,
यूरिया का काम ही यही है। यूरिया में कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं आपके? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और यही जब यूरिया डाला जाता है तो उस फसल, उस खेत में या उस फसल को ठीक ठाक नाइट्रेट मिल जाता है, ठीक है, नाइट्रेट मिल जाता है, और वहां से उसकी वृद्धि अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहां उस खेत में नाइट्रोजन की कमी होगी। हाँ, अगर आप नहीं बहुत ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें दलहनी फसलों का एक सीरियल आप लगा सकते हैं, उसके बाद जो भी उसमें फसल उगेगी वो बहुत अच्छी उगेगी। अगर और चीजें खराब नहीं कर रही हैं तो, मौसम अगर इत्यादि को छोड़ दिया जाए तो, अगर सब चीज सही रहा तो उस खेत में उस फसल जो आपकी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया, वहां पर फिक्स कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। पौधे ने जो लिया तो लिया ही, और वहां जमीन में भी कुछ हद तक नाइट्रेट जो है फिक्स हो गया है ना। तो ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन का रोल है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। जरा आप आगे देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो अभी मैंने डील किया हुआ है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूं, जरा उसको सुनिएगा। आपने देखा कि राइजोबियम हुआ, एजेटोबैक्टर हुआ, ये जो है आपके इन फसलों के, दलहनी फसलों के जड़ों पर पाए जा रहे हैं भैया, ठीक है। अब जड़ों पर ये उनको रहने क्यों दे रहा है और जीवाणु क्यों नहीं रहने दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि आप किसी को रहने कब देंगे? अब आपका अगर कोई घर है, खाली है, क्यों रहने दोगे भैया उसको? फ्री फंड तो रहने नहीं दोगे ना। कुछ लोग हैं, आप उसको रहने के लिए दे रहे हो तो वहां से कुछ तो ले रहे हो ना, आप पैसा ले रहे हो या जो भी ले रहे हो आप, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है यार सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। रिलेशनशिप मतलब, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है सहजीवी, ठीक है ना, एक साथ रह रहे हैं। तो एक साथ रहने में इनको क्या फायदा होगा? एक साथ रहने में इनको यही फायदा होगा कि भैया आप एक काम करो हमको, कि आप शरण दे दो, उसके बदले में हम आपको क्या बोल रहे हैं, भोजन दे दे रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में हम आपको भोजन दे दे रहे हैं। तो सपोज अगर मैं इस प्लांट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो प्लांट क्या काम कर रहा है, उस बैक्टीरिया, उस जीवाणु को, उस जीवाणु को क्या कर रहा है, शेल्टर दे रहा है, शरण दे रहा है, और उसके बदले में या बैक्टीरिया इसको क्या दे रहा है, इसको दे रहा है भैया, इसको दे रहा है यार नाइट्रेट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की रिलेशनशिप्स को क्या बोला जाता है, इस तरह की रिलेशनशिप को सहजीवी बोला जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा इसका नाइट्रोजन से ही लेना देना है ना, तो इसको नाइट्रेट दे दे रहा है। दूसरा अगर मैं कहूं कुछ और, लाइकेन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लाइकेन्स, ठीक है, लाइकेन का हालांकि यहां से लेना देना नहीं है नाइट्रोजन से, लेकिन यह सहजीवी में आता है लाइकेन, ठीक है। किसका किसका सहजीवी है यह? यह एल्गी, शैवाल और आपका कवक, फंगस का सहजीवी है, ठीक है। यह सहजीवी किसका है? एक उसको शेल्टर देता है, दूसरा उसको भोजन दे रहा है, बात समझिए, ठीक है। एक क्या काम कर रहा है, एक शरण दे रहा है, दूसरा उसके बदले में उसको भोजन प्रोवाइड करा रहा है ना। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। आपने मूंगा चट्टानों को सुना होगा, ठीक है ना, मूंगा चट्टाने भी दो चीजों का है, ठीक है। वहां पर भी एक एक को शरण दे रहा होता है और एक को क्या दे रहा होता है, भोजन दे रहा होता है, ठीक है। तो हालांकि अगर हमारी क्लासेस आगे जब चलेंगी तो उसमें हम इसको बहुत डीप में करेंगे डिस्कस, ठीक है, लेकिन चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा। हाँ, लाइकेन के बारे में एक चीज और सुन लीजिएगा, लाइकेन जो है आपका एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम से पूछा गया है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। मतलब कि कहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा है यह उसको बताता है। जैसे अगर मैं कहूं दिल्ली की बात ले लूं, ठीक है, लाइकेन जो उगते हैं यह आप जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं या आप ऐसे कह लीजिए छत वगैरह पर, ठीक है, ये अपना घर बनाते हैं, एक तरह का घर बनाते हैं, और इन्हें ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता रहती है। अगर इन्हें प्योर ऑक्सीजन या उस तरह की प्योर हवा नहीं मिलती है तो ये अपना रंग चेंज करने लगते हैं, मतलब इनका कलर चेंज होने लगता है।
तब अगर एयर आपका सही नहीं है, एयर की क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन की बजाय और गैसों की मात्रा ज्यादा है, तो ये अपना रंग चेंज करने लगता है। तो वहीं से लोग जो है यह बता देते हैं कि आपका जो है यहां पर एयर पोल्यूशन क्वालिटी सही नहीं, क्योंकि अपना दम तोड़ने लगते, इनका रंग बदलने लगता है। और इनका रंग तभी बदलता है जब इनको स्वच्छ वायु नहीं मिलती है या प्योर एयर नहीं मिलती है, ठीक है। तो यह एज अ एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, वायु प्रदूषक सूचकांक, ऐसे आप कह लीजिए, ठीक है ना, सूचक के रूप में यह प्रयोग किए जाते हैं आपके लाइकेंस, है ना। तो लाइकेन का लेकिन यहां नाइट्रोजन से यार अभी लेना देना नहीं है, मैंने बस केवल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात थी तो इसको डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए तो जरा देखते हैं यार, आगे आते हैं जरा हम, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कहीं ना कहीं अब समय का बहुत ज्यादा अभाव है, इस वजह से इसको मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी जो अभी डिस्कस हुई हैं, ठीक है। तो प्लीज इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी मैंने नाइट्रोजन को एक तरीके से बायोलॉजी से रिलेट किया हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेट किया हुआ है। हाँ, नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं यहां पर, नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज और याद रखिए कि नाइट्रेट्स, देखिए मिक्सअप हो रहा होगा मुझे मालूम है, लेकिन यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्मार्ट स्टडी की ओर जा रहे हैं या करते हैं, सिर्फ उनके लिए है ये, मूर्खों के लिए हम कतई वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे क्षमा करें, लेकिन यह जो है सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वाकई में ही किसी चीज के लिए फोकस्ड है यार, ठीक है। फालतू लोगों से हमारा वैसे भी कोई संपर्क नहीं रहता है, ठीक है। आप ऐसे कह लीजिए कि जो लोग समय अपना दे रहे हैं इस पे, हम सिर्फ उनके लिए यहाँ हैं, जो नहीं दे रहे उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मेहनत बहुत हो रही है, ठीक है। अब आपको ऐसा लग सकता है अरे यार ये क्या कर रहा, अरे उसको पहले समझो तो, आप उस पर जाइए तो एक बार, क्या उन्होंने डील किया है, एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे नहीं, फिर कहोगे ऐसा पढ़ा दिया वैसा पढ़ा दिया, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जल्दी कहीं इकट्ठा किसी बुक में जल्दी मिलेगी नहीं ये चीज, अलग अलग जगह पर आप उसको क्या काम करेंगे, डील करेंगे जा करके, कोई आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आधा उधर पढ़ेंगे और कुल मिला करके भुला जाएंगे, यही होगा, ठीक है। तो आगे थोड़ा देखते हैं, नाइट्रेट्स, आपने कभी ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम यह एक प्रकार का आप रोग समझिए ऐसे, ठीक है, छोटे बच्चों में होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर छोटे बच्चों के शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उनका शरीर नीला पड़ने लगता है, ठीक है। तो इस केस को बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक प्रकार का रोग है जो खासकर छोटे बच्चों में देखा जाता है, या बहुत अत्यधिक मात्रा में जब छोटे बच्चों के शरीर में नाइट्रेट पहुंच जाता है तब जा करके इसके सिम्टम्स देखना स्टार्ट होते हैं, बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है। वो नीला इस वजह से पड़ने लगता है क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो अशुद्ध ही तो होगा वो, ठीक है। और अशुद्ध जब होने लगता है रक्त, उसका रंग लाल भी रह सकता है, ठीक है, पर जनरली वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बैंगनी या तो नीला, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। तो आपने नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा देखा, किस तरीके से ये बायोलॉजी से रिलेट होता है, हालांकि यह मात्र 10% अभी आपने देखा है आज के लेक्चर के, अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस के हिसाब से बात करूं, वैसे तो 1% भी नहीं है, लेकिन अगर आपके सिलेबस की बात करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करूं, वनडे के सिलेबस की बात करूं, तो हमने इसका 10% देखा, ये अभी और है, ठीक है, लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा कर दूंगा तो ये पूरा मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन इतनी चीजें हैं आपको यहां से एक दो सवाल गारंटी देखने को मिल जाएगी। अब ये तो हो गया इसका बायोलॉजी के सेक्शन में, थोड़ा सा अगर हम देखें फिजिक्स के सेक्शन में, ठीक है, तो आपने सुना होगा नाइट्रोजन गैस कहाँ इस्तेमाल की जाती है, अब यहां पर इस्तेमाल की बात आ जाती है, यहां तो समझने की बात है, अब यहां पर यूजेस की बात आ जाती है, अगर फिजिक्स के सेक्शन को डील कर रहे हैं तो। फिजिक्स के सेक्शन में अगर आ रहे हैं यार, तो जरा देखिए, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, आपने सुना होगा। हाँ, अब किसी के दिमाग में तुरंत यह सवाल आएगा कि सर वहां तो हीलियम भी भरी जाती है,
हाँ ठीक है भरी जाती है, तो मैं यहाँ नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, मैंने हीलियम का नाम नहीं लिया है, ठीक है। हीलियम भी भरी जाती है और नाइट्रोजन भी भरी जाती है। अब कहेंगे दोनों अलग अलग क्यों भरी जाती है, ठीक है, उसके लिए जरा कारण सुनिए। हीलियम, आपको मालूम है हीलियम की दो बातें, हल्की होती है, बहुत अच्छी बात है, यह ज्वलनशील भी होती है। तो हल्की होती है इस वजह से उसको तो वायुयान के टायरों में भर दिया जाता है, लेकिन उन वायुयान के टायरों में भरा जाता है जिनका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसे कि अगर मान लीजिए लैंड कर रहा है हवाई जहाज और गलती से तापमान बढ़ गया और उस टायर में हीलियम भरी हुई है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है, आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हीलियम ज्वलनशील होती है, ठीक है। हाँ, अगर वायुयान हल्का रहा, हीलियम भर दीजिए, तो इतना घर्षण से वो हो सकता है ना हो केसेस, हालांकि टायर उनके बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, ठीक है, कि फटी जाए या भर दिए तो ऐसा हो जाए, इस तरह का नहीं होगा। लेकिन अगर एक केस की बात करें, बहुत भारी वायुयान है, उसमें आपने हीलियम भर रखी है, उतरते वक्त घर्षण बहुत ज्यादा होगा और गलती से तापमान अगर इतना उच्च हो गया कि अंदर की हीलियम अगर एक्सपेंड करेगी, फैलेगी गर्मी पा करके, तो वहां टायरों के फटने के बाद वहां पर आग लगने का ज्यादा खतरा रहेगा, ठीक है। तो हल्के वायुयानों में आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आंसर देखें तो हीलियम का वायुयान के टायरों में भरा जाना ठीक बात है, वहां पर भरी जाती है। हाँ, अब दूसरी बात रही नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन भी भरी जाती है वायुयान के टायरों में। नाइट्रोजन हीलियम से भारी है, लेकिन यह ज्वलनशील नहीं है, यह आपने सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, यह ज्वलनशील नहीं है इतनी, ठीक है, लेकिन यह भारी थोड़ी सी ज्यादा रहती। तो भारी वायुयान है तो उसमें हल्की गैस भारी भर दी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ तो रहेगा कम से कम, ठीक है, तो यह सेफ है। हीलियम की बात करें तो एक बात और आप याद रखना कि हीलियम जो है आपकी जो आपके गुब्बारे छोड़े जाते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, आपने देखा होगा गुब्बारों में भी भरी जाती है, ठीक है, हल्की होती है तो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करें तो फिजिक्स के केस में आपने देखा कि टायरों में भरी जा रही है, बल्बों में भी भरी जाती है, ठीक है, हालांकि उसमें और भी गैसेज रहती हैं, पर इनका इस्तेमाल बल्ब वगैरह में भी किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल। दूसरा केस आते हैं, जरा केमिस्ट्री पर्पस देखते हैं इसका, ठीक है। केमिस्ट्री पर्पस देखें तो यार, आपने विस्फोटक सुने होंगे पहली बात, तो विस्फोटक हो आप नाइट्रोजन आग बंद करके आंसर मार्क कर दीजिए, ठीक है। विस्फोटकों में जैसे आपका टीएनटी, टीएनजी, सुना होगा आपने टीएनटी, टीएनजी, ठीक है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ठीक है, ये क्या है, विस्फोटक है, विस्फोटकों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया डाइज वगैरह में जो बालूम लगाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया, यूरिया जो खेतों में डाली जाती है, यूरिया वहां इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका विस्फोटक के तरीके, उर्वरक के तरीके, दोनों तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा नाइट्रोजन का एक ब्रॉड, आप ऐसे कहिए कि एक ही लेक्चर में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ उसको हमने कंप्लीट किया है। ये आप ऐसा समझिए कि ये पूरा वीडियो नहीं है, लेकिन आप इंट्रोडक्टरी क्लास मान सकते हैं इस चीज़ को, कि किस तरीके से हम आगे की क्लासेस डील करेंगे और कितना कम समय में आपके साइंस को कवर करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप प्रॉपर क्लासेस में बने रहेंगे तो आपका एक भी सवाल गलत होने की संभावना नहीं है, ठीक है। चलिए, विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।